स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सीईटी सीरीज ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस। इस लेक्चर में हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन हाइड्रोस्टैटिक्स पार्ट ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं? दैट इज बैरोमीटर। ओके, ठीक है, बहुत सिंपल था, ऐसे थियोरेटिकल बहुत कम चांसेस होते हैं, बट वी शुड हैव नॉलेज, है ना। 1 torr is hydrostatic pressure exerted by liquid column of height 1 mm. Okay, mercury column of height 1 mm. Iska answer 1 mm ya fir 0.1 cm. Ye dono. Okay, option mein dekh lena kaun sa hai, 1 mm ya fir 0.1 cm. Clear? Haan, iske upar extra points likh ke rakh lo, atmospheric pressure 1.013 into 10 to the power 5 pascal ya fir 760 torr या फिर 118, एक ही बात। ओके, ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिख के रख लो, है ना। एमसीक्यू सॉल्व करते हो कोई अगर एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है तो तब के तब लिख लेना चाहिए। नेक्स्ट, बाय सकिंग थ्रू अ स्ट्रॉ अ स्टूडेंट कैन रिड्यूस द प्रेशर इन हिज लंग्स फ्रॉम 760 एमएम टू 750 एमएम ऑफ मर्क्यूरी। यूजिंग द स्ट्रॉ ही कैन ड्रिंक द वॉटर फ्रॉम अ ग्लास अप टू अ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ, है ना। वो जब स्ट्रॉ से पानी पी रहा है तो वो उसके लंग्स में का प्रेशर 760 mm से 750 mm ऑफ मर्क्यूरी तक ही कम कर सकता है, तो कितना पानी उसके मुंह में जाएगा ये निकालना है। ओके, तो प्रेशर का डिफरेंस, जो प्रेशर का डिफरेंस है वो है 760 माइनस 750 mm ऑफ मर्क्यूरी, यानी जो प्रेशर एग्जर्ट कर पा रहा है वो है 10 mm ऑफ मर्क्यूरी। That can be written as 1 centimeter of mercury. Or 1 centimeter of mercury can be written as कितना pressure 1 centimeter of mercury यानी 1, ये h हो गया, है ना, into rho of mercury, कितना rho of mercury 13.6 into g, कितना लेंगे यहां पे 100 centimeter per second square, इतना pressure वो exert कर पा रहे। okay, अब इतना प्रेशर वो पानी पीने के लिए एक्सर्ट कर रहे हैं, तो यही प्रेशर कितना है 1 इंटू 13.6 इंटू 100, दैट शुड बी इक्वल टू एच वाटर इंटू रो वाटर इंटू जी, है ना, जी और 100 कट हो जाएंगे, तो 1 इंटू 13.6 इज इक्वल टू एच वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर कितना 1, तो देयरफॉर एच वाटर इज इक्वल टू 13.6 सेंटीमीटर, यानी वो पानी जितना वो पी पाएगा वो रहेगा 13.6 सेंटीमीटर का पानी स्ट्रॉ में, 13.6 सेंटीमीटर के डेप्थ तक का पानी पी सकेगा, क्योंकि उसने प्रेशर 760 से 750 तक किया। अगर वो और प्रेशर कम करेगा तो HW का वैल्यू और बढ़ जाएगा। ओके, नाउ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी एंड वाटर ऑफ इक्वल वेट्स, है ना, वेट्स इक्वल। The total height of the two layers is 29.2 cm. Let us say HW, it is the weight of water, height of water, and HM, it is height of mercury. So HW plus HM, ये 29.2 cm दिया हुआ है. If specific gravity of mercury is 13.6, then the height of the mercury column would be. Specific gravity mercury का 13.6 है, तो density of mercury वो रहेगा 13.6 ग्राम पर सीसी। स्पेसिफिक ग्रेविटी के आगे अगर ग्राम पर सीसी लगाया तो वो उसकी डेंसिटी बन जाती है, उस सब्सटेंस की डेंसिटी, ठीक है। और वाटर की डेंसिटी हमको पता है 1 ग्राम पर सीसी, ठीक है। अब हमको पता है वेट इक्वल है, वेट ये इक्वल दिया हुआ है, यानी वेट ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ मर्क्यूरी कितना रहेगा, मास ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर इंटू जी। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या लेंगे हम लोग, पाई आर स्क्वायर एच मर्क्यूरी। मास ऑफ वाटर कितना लेंगे, रो वाटर इंटू वॉल्यूम कितना, पाई आर स्क्वायर एच वाटर, क्योंकि सिलेंडर पकड़ेंगे, रेडियस आर, हाइट एच, तो वॉल्यूम कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो रो मर्क्यूरी कितना 13.6 एच एम
इज इक्वल टू रो वाटर वन है तो एच डब्ल्यू, यानी एच डब्ल्यू के जगह मैं क्या लिख सकता हूं 13.6 m, ये वाला वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, एच डब्ल्यू के जगह 13.6 hm प्लस एच एम इज इक्वल टू 10 29.2, है ना, इन दोनों का एड किया तो बन गया 14.6 hm इज इक्वल टू 29.2, तो एच एम इज इक्वल टू 14.62 सर, तो मर्क्यूरी का हाइट कितना रहेगा 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि सब चीज अपन ने सीजीएस में रखा है, तो आंसर हमारा सेंटीमीटर में, ध्यान रखो नहीं तो तुम फटाक से खुशी खुशी में मीटर वाला ऑप्शन टिक करके आ जाओ, ठीक है। चलो, टू सर्कुलर प्लेट्स ए एंड बी ऑफ रेडाई 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर आर केप्ट इन वाटर एट डेप्थ 75 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली बिलो द फ्री सर्फेस ऑफ द वॉटर, एफ ए एंड एफ बी आर द थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब फोर्स exerted on plates A and B respectively, what is the ratio of FA to FB? Force क्या होता है? Pressure into area. Pressure क्या होता है? H rho g, और area क्या होता है? Pi pi a square. पाई कैंसिल हुआ, रोजी रोजी कैंसिल हुआ, ठीक है। एच ए ने एच की हाइट, ए की हाइट कितनी 75, एच बी ने 150, आर ए अपॉन आर बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपन इसको, तो आर ए का आर ए अपॉन आर बी दैट इज 2/3 का स्क्वायर, 1 × 2 सर, तो 1/2 इंटू 4/9, तो आंसर इज 2/9, दिस इज योर आंसर 2:9 या 2/9 है तुम्हारा आंसर होना चाहिए, आसान सवाल। चलो आगे बढ़ेंगे, 1 atm is taken as a pressure exerted by a mercury column of height 76 cm. What is approximate height of the air column that will produce 1 atmospheric pressure at its bottom? Air column की height पूछा है, ठीक है, same pressure बोला है 1 atm, यानी pressure due to air column should be pressure due to mercury column। एयर कॉलम के लिए एच एयर जो निकालना है इंटू डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी दैट इज इक्वल टू एच मर्क्यूरी इंटू रो मर्क्यूरी इंटू जी, ठीक है। अब यहां पे दिया रहेगा लेकिन हम लोग कंसिडर करेंगे, सपोज इट इज 1.36, ये मान के चलो, क्या डेंसिटी ऑफ एयर 1.36 वैसे गिवन रहेगा, प्रॉब्लम में मैंने नहीं गिवन है, मैंने नहीं दिया है क्योंकि मुझे लेटर से मुझे याद है, वैसे प्रॉब्लम में जो दिया रहेगा वो यूज करना है। मर्क्यूरी का हाइट कितना बोला है, मर्क्यूरी का हाइट 76 इंटू ये कितना आएगा, मर्क्यूरी की डेंसिटी ये 1.36 केजी पर मीटर क्यूब है, हाँ ये केजी पर मीटर क्यूब में है, और यह आएगा 13600 केजी पर मीटर क्यूब है, ठीक है, कंसिडर करेंगे वो हमको पता है, ठीक है। नाउ 13.6 कितने ज्यादा हो गया, है ना, कितने ज्यादा लिखेंगे इसको, 1.36 है इंटू 10^4 तो 10^4 जो है ना, तो एच एयर इज इक्वल टू 76 इंटू 10^4 मीटर, ओके ओके वेट अ सेकंड वेट अ सेकंड, इट इज 76 सेंटीमीटर ना, तो इसको 0.76 लिखना पड़ेगा, तो 0.76 इंटू 10^4 मीटर, ये मिस्टेक रहेगी, ये मिस्टेक हो गई थी हमारे से, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी मीटर में, 76 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.76 मीटर, तो ये अगर सॉल्व किया हम लोगों ने तो इट इज 7.6 इंटू 10^3 मीटर विच इज 7.6 किलोमीटर, यानी वाटर कितने हाइट लगेगा 7.6, एयर कितने हाइट का लगेगा 7.6 किलोमीटर के हाइट का लगेगा, जो इतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा जितना 76 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ना, यानी अगर ये आदमी है सपोज इस पे 76 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी का प्रेशर अगर हम लोगों ने रखा तो इसी आदमी के ऊपर अगर एयर है इस क्यूब में तो एयर कितनी लगेंगी हम लोगों को 7.6 किलोमीटर की एयर लगेंगी जो उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेंगे जितना ये मर्क्यूरी एक्सर्ट कर रहे हैं 76 सेंटीमीटर के हाइट का,
आया ध्यान में? चलो अगले क्वेश्चन. अ यूट्यूब कंटेन्स वाटर एंड स्पिरिट सेपरेटेड बाय मर्क्यूरी. द मर्क्यूरी कॉलम्स इन द टू आर्म्स आर केप्ट इन द लेवल विद 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन वन आर एंड 12.5 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट इन अदर. व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट. दिखने में बहुत गंदा प्रॉब्लम लगता है लेकिन देखो बहुत आसान. ऐसा एक यूट्यूब है, ठीक है, इसमें मर्क्यूरी है पहले, ठीक है, मर्क्यूरी है, यह हाइट है, सेम हाइट है. फिर इसके एक साइड में 10 सेंटीमीटर वाटर है, और दूसरे साइड में 12.5 सेंटीमीटर स्पिरिट है. तो तुमको इस स्पिरिट की स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी निकालना, ठीक है. पास्कल लॉ क्या बोलता है, ये वाली लाइन पे प्रेशर सेम होना चाहिए, है ना. ग्रेविटी का इफेक्ट अगर निकले किया तो ये वाली लाइन पे प्रेशर सेम होना चाहिए, ठीक है. अब ये वाली लाइन पे प्रेशर कितना एक्सर्ट रहेगा इस साइड से, इस साइड पे 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है तो 10 इंटू रो वाटर इंटू जी, इतना प्रेशर ये साइड में होगा. इस साइड पे 12.5 इंटू रो स्पिरिट इंटू जी. और पास्कल क्या कहता है कि ये प्रेशर जो है सेम होना चाहिए, प्रेशर सेम होना चाहिए, मतलब 10 इंटू रो वाटर इंटू जी should be equal to 12.5 into rho spirit into g. cancel. rho water का value हम लोग 1 लेंगे तो 10 into 1 that is equal to 12.5 into rho specific. okay. so therefore rho spirit that is equal to 10 upon 12.5. ये हो गया gram per cc, है ना. gram per cc हुआ, हाँ check कर लो एक बार calculations. तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी जो स्पिरिट की आएंगी वो आएंगे 0.8 ग्राम पर सीसी, ठीक है. अब ये आ गई डेंसिटी, हमको चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. व्हाट इज डेंसिटी ऑफ स्पिरिट 0.8, डेंसिटी ऑफ वाटर 1, तो यह आ गया 0.8. दिस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट, ठीक है. चलो नोट डाउन कर लो. ओके, अ कॉनिकल वेसल हैविंग बेस एरिया दैट मच, हाइट दैट मच, लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतना, व्हाट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बेस ऑफ द वेसल ड्यू टू लिक्विड कॉलम. फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, है ना. प्रेशर क्या रहेगा, रो जी एच इनटू एरिया. अब डेंसिटी कितना लेंगे बेटा, 0.9 इंटू 10 टू द पावर 3, क्योंकि बेटा ग्राम पर सीसी है ना, केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करके. जी का वैल्यू लेटर से 10 ले लेते हैं फॉर सिंपलिसिटी के लिए. हाइट कितना बोला है बेटा, 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 इंटू एरिया कितना बोला है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. ये तो गया, ये हो गया 4, 0.9 इंटू 4 इंटू 4 तो 0.9 इंटू 16 तो ये हो गया 14.4 न्यूटन. सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम था, है ना. फॉर्मूला ध्यान में आएगा ना, रो जी एच वाला, ठीक है. अ सिलेंडर इज फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो अप टू हाइट एच. What is the hydrostatic pressure exerted by the liquid on the bottom of the cylinder if the cylinder is kept in a lift moving upward with acceleration v? ठीक है, अब देखो ये lift है, इसमें ऐसा कॉलम रखा है जिसमें कोई भी लिक्विड भर दिया, density rho और height h है. अब ये अगर rest पे है तो इसके base पे pressure exert कितना रहेगा, rho g h, क्योंकि ये rest पे है. अब सेम चीज अगर ऊपर ए एक्सेलरेशन से जाने लगी, ओके, तो फर्क किस में आएगा, इसमें आएगा, जी में आएगा,
रो रेट चेंज नहीं होगे, जी में चेंज होगा, और अब जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो रहेगा रो एच जी माइनस ए, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है ना, ऊपर जाते वक्त जी चेंज हो जाता है जी माइनस ए, वेयर ए इज एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रख लो, अगर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो रो एच जी माइनस ए, इसको बोलते हैं जी इफेक्टिव, है ना। और यही सवाल अगर चेंज कर दिया, इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स, यानी ऐसा आ गया, तो क्या हो जाएगा चेंज यहां पे, रो जी, रो एच जी प्लस ए, यानी प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी बॉटम पे प्रेशर कब पड़ता है, जब लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे आती है। ठीक है, क्लियर विद दिस, समझ में आया सबको? हाँ, चलो नोट डाउन कर लो इसको। एक चेंज था, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, लिफ्ट जब ऊपर जा रही है तो इट इज जी माइनस ए, सॉरी जी प्लस ए, जी प्लस ए, लिफ्ट जब ऊपर जा रही है मूविंग अपवर्ड्स तो चेंज कर लो रो एच जी प्लस ए। अब लिफ्ट अगर नीचे आ रही है तो इट बिकम्स जी माइनस ए। ठीक है, क्लियर, ऊपर जाते वक्त रो एच जी प्लस ए, लिफ्ट नीचे आई तो रो एच जी माइनस ए। ठीक है, चलेगा, चलो। नेक्स्ट, व्हेन एन एयर बबल राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेक टू द सरफेस इट्स रेडियस इज डबल्ड, है ना। यानी कंसेप्ट देखो क्या है, बॉटम पे प्रेशर बहुत है तो उसका रेडियस आ रहा है लेटर से छोटा है, ऊपर आ रहा है तो प्रेशर कम हो गया, तो जैसे ऊपर आया तो उसका रेडियस डबल हो गया। ठीक है, एच वो लेक का डेप्थ है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी यहां पे प्रेशर जो है दैट इज एच हाइट ऑफ वाटर, यानी एच रो वाटर जी। ठीक है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द लेक, लेक लेक का डेप्थ निकालना है। एक बात ध्यान में रखना, यहां पे हम लोग यूज करेंगे बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ तुम लोगों को आइडिया तो होगा, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, यहां पे का प्रेशर कितना रहेगा उसको बोलेंगे अपन पी वन, कितना एच रो वाटर जी। ठीक है, यहां पे वॉल्यूम कितना है 4/3 pi 2 r³, यहां पे प्रेशर कितना रहेगा, देखो प्रेशर यहां पे ऑलरेडी h है और स्मॉल h हाइट नीचे गए तो बन गया h प्लस स्मॉल h इंटू रो वाटर इंटू g, समझा प्रेशर का वैल्यू। यहां पे प्रेशर ज्यादा रहेगा, कितना रहेगा कैपिटल h, तो यहां गई है प्लस h इधर नीचे आएगा, इतना प्रेशर रहेगा यहां इंटू वहां का वॉल्यूम कितना 4/3 pi R³, कैंसल हुआ 4/3 pi, ये रो डब्ल्यू जी कैंसल हो गया, 2 r³ यानी 8 r³ कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच इंटू r³ कैंसल, 8h इज इक्वल टू कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, तो स्मॉल एच इज इक्वल टू 7H, तो उस लेक की डेप्थ हुई 7 times कैपिटल एच दिया हुआ है प्रॉब्लम। ठीक है, ये फॉर्मूला समझाना सबको, ये इसकी जान है, इस प्रॉब्लम की जान, ये कंसेप्ट है। ठीक, क्लियर, चलो लास्ट प्रॉब्लम। अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस आर इज फिल्ड विथ होमोजीनियस लिक्विड अप टू हाइट एच, है ना, एक सिलेंड्रिकल वेसल जिसका रेडियस आर है, इसमें हम लोगों ने लिक्विड भरा है, अप टू हाइट एच। ठीक है, नाउ इट इज फाउंड दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम ऑन द बॉटम ऑफ द सिलेंडर, यानी यहां का जो फोर्स है बॉटम पे का, दैट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द साइड्स, यानी ये जो साइड्स पे उसने फोर्स एक्सर्ट किया उसी में, प्रेशर एट बॉटम इज इक्वल टू प्रेशर एट साइड्स। ठीक है,
तो तुमको निकालना है आर और एच के बीच का रिलेशन, रिलेशन बिटवीन स्मॉल एन एंड स्मॉल एच. ठीक है, प्रेशर एट बॉटम दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू एरिया, फोर्स एट बॉटम इनटू एरिया एट बॉटम. ठीक है, प्रेशर एट साइड इज इक्वल टू फोर्स इनटू साइड, फोर्स सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी. यहां पे हम लोग दूसरा कंसेप्ट यूज करेंगे, ये एन में नोट डाउन कर लो. ओके, हम लोग थोड़ा सा यहां पे मिस कर गए, यहां पे ये फोर्स था, फोर्स एट बॉटम इज इक्वल टू फोर्स एट साइड. ठीक है, फोर्स एट बॉटम इज इक्वल टू फोर्स एट साइड. फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया. अब बॉटम पे प्रेशर कितना, रो जी एच है, बॉटम पे प्रेशर कितना रो जी एच, इनटू एरिया कितना पाई आर स्क्वायर. अब साइड के लिए अपन हाइट जो लेते हैं वो लेते हैं एच बाई टू, एवरेज लेते हैं, क्योंकि टोटल हाइट यहां पे भी हर जगह प्रेशर अलग अलग है ना, तो हर जगह का फोर्स भी अलग रहेगा, तो प्रेशर हम लोग क्या लेते हैं इसका रो जी एच बाई टू. समझे, एच बाई टू क्या, हाइट का एवरेज, यानी साइड पे निकालना है ना आपको, साइड पे हाइट कितना लेंगे, जो भी हाइट है उसका हाफ एवरेज निकालने के लिए है ना, इनटू साइड का एरिया कितना रहेगा 2 पाई आर एच, रोची रोची कैंसिल हो गया, एच एच कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू एच. तो दिस इज योर आंसर. तो ये था हमारा आंसर और ये थे हमारे एमसीक्यूज बेस्ड ऑन हाइड्रोस्टैटिक्स. ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं. ओके, तो वो टेस्ट के फॉर्मेट में हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है, तो आप उस पे जाके कर सकते हो. ओके, सॉल्व कर सकते हो. सो दैट्स इट फॉर टुडे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग विस्कोसिटी का कांसेप्ट पढ़ेंगे. ओके, बाय बाय.